हाय फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाड़ी आज हमारे पास स्कोडा की फैबिया गाड़ी है। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, गाड़ी लेट में स्टार्ट होती है गाड़ी, और झटके भी मारती है गाड़ी, और गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। गाड़ी काफ़ी दिन से खड़ी थी तो अचानक से ऐसा प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने ऐसा बताया है। तो एक बार मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इग्निशन ऑन किया है और एक बार सेल मारेंगे। गाड़ी न्यूट्रल किया मैंने, देख सकते हैं आप लोग, लंबा सेल्फ ले रही है और हीटर की लाइट भी आ रही है, साथ में ब्लिंक कर रही है। वापस से बंद करूँगा, वापस से सेल मारूँगा, देख सकते हैं आप लोग लंबा सेल्फ ले रहा है। एक बार गाड़ी को मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ और स्कैनिंग में क्या प्रॉब्लम आता है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इग्निशन को ऑन कर रख लेता हूँ, इग्निशन ऑन किया है और गाड़ी को स्कैनिंग करेंगे। यहाँ पे इंजन में चेक करेंगे, ओके करेंगे, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं शो हो रहा है, लेकिन गाड़ी में हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। अभी दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप लोग, लंबा सेल्फ लिया, गाड़ी स्टार्ट रखा मैंने और अभी वापस चेक करूँगा। हीटर का लाइट आ रहा है, देख सकते हैं हीटर का लाइट आ रहा है, लेकिन फॉल्ट कोड कुछ नहीं था। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करके सेल मार के फिर से चेक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो फॉल्ट कोड है, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का, सर्किट माल फंक्शन का फॉल्ट कोड है, परफॉर्मेंस का। बैक करूँगा, रीड करूँगा, एक्टिव में आ रहा है। फिर से दिखाता हूँ आपको एक बार गाड़ी बंद करके, गाड़ी में क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी लंबा सेल्फ का प्रॉब्लम है गाड़ी में और हीटर की लाइट भी आ रही साथ में, देख सकते हैं आप लोग, और हीटर की लाइट आ गई अभी, और यहाँ पे फॉल्ट कोड भी एक्टिव में, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का। तो इसको हम लोग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी को मैं बंद कर देता हूँ, चाबी निकाल लेता हूँ, ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट। मैं इसका कवर निकालता हूँ, इसका जो लोकेशन है कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का, इसके अंदर आता है। कवर खोलेंगे तो अंदर दिखता है, यहाँ से सामने दिख रहा है आपको कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, देख सकते हो। और इसका जो वायरिंग आता है यहाँ पे अंदर आता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो इसका वायरिंग काटा है छुए ने, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का सॉकेट का, देख सकते हो आप लोग। हाथ डाल के दिखाता हूँ आप लोग को, बाहर निकाल के देख सकते हो छुए ने वायरिंग खाया है। इसकी वजह से हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो ये जो फॉल्ट कोड है कैम सेंसर का फॉल्ट कोड था, और यहाँ पे चेक किया तो वायरिंग काटा हुआ है, तो इसका हम लोग वायरिंग जॉइंट मार लेते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या देखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पुश करता हूँ मैं, और ये वायर पहले सबसे पहले जॉइंट मार लेता हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने वायरिंग जॉइंट मार दिया है, टेम्प्रेरी जॉइंट मारा है, और अभी स्टार्ट करके देखेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम बराबर हुआ है क्या। यहाँ पे देख सकते हो मैंने वायरिंग जॉइंट मार दिया, टेपिंग भी किया है, प्रॉपर नहीं किया है। एक बार स्टार्ट करके कंफर्म कर लेंगे गाड़ी बराबर हो गई क्या, उसके बाद टेपिंग कर दूंगा मैं। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या पहले वो देखेंगे। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे
इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन मैंने ऑन किया है और सेल मारेंगे। देख सकते हो गाड़ी हमारी हाफ सेल पे चालू हो रही है और जो हीटर की लाइट आ रही थी वो भी चली गई है। वापस से दिखाता हूँ, यहाँ पे इग्निशन ऑन किया है और हीटर की लाइट अभी नहीं आ रही है। देख सकते हो हाफ सेल पे हमारी गाड़ी चालू हो रही है और स्कैनिंग करके देखेंगे जो हमारा फॉल्ट कोड था हिस्ट्री में गया है क्या। यहाँ पे मैं बैक करूँगा, वापस से चेक करूँगा सब अच्छे से। ओके करूँगा, रीड फॉल्ट कोड करेंगे, यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। वापस से दिखाता हूँ, देख सकते हो गाड़ी हमारी हाफ सेल पे स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने के बाद पहले फॉल्ट कोड आ जाता था, अभी कोई फॉल्ट नहीं है और हमारी गाड़ी भी चालू हो गई है। ये प्रॉब्लम हमारा विंटो, पोलो और स्कोडा रैपिड वगैरह में भी सेम प्रॉब्लम आता है और कैमशाफ्ट सेंसर भी जाता है हमारा तो भी ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, लेकिन 90% तो वायरिंग ही खाता है उसका, जल्दी सेंसर ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा वायरिंग का इशू था, देख सकते हो आप लोग हाफ सेल पे गाड़ी चालू हो रही है। यहाँ पे मैं एक बार गाड़ी का ट्रायल भी मारूँगा, देखते हैं क्योंकि झटके भी मारने का इशू था, तो अभी देखता हूँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या हमारा। यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। देख सकते हो गाड़ी एकदम बराबर चल रही है, गाड़ी में कोई झटका वगैरह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हीटर की लाइट आ रही थी और गाड़ी झटका भी मार रही थी, थोड़ा थोड़ा कंप्लेन था और स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो था ही जो भी था। तो गाड़ी एकदम बढ़िया है, फाइनली गाड़ी रेडी हो गई हमारी। वायरिंग का इशू था, इसका ज़्यादातर वायरिंग का ही प्रॉब्लम आता है। सेंसर ख़राब होते हैं लेकिन बहुत कम ख़राब होते हैं, 90% तो वायरिंग ही खाता है चूहा। तो ये पोलो, फैबिया और अपना वेंटो, रैपिड, जितनी भी डीजल गाड़ियाँ हैं स्कोडा की, VW की, ऑडी वगैरह की, तो यहीं से ही इसका वायरिंग का प्रॉब्लम आता है, वायरिंग खा जाता है चूहा। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी में, लॉन्ग क्रैंकिंग होता है, लंबा सेल्फ लेके गाड़ी चालू होती है। तो यहाँ इसका भी वायरिंग का ही प्रॉब्लम था, गाड़ी 10-15 दिन की खड़ी थी तो ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। मैंने चेक किया था तो वायरिंग का इशू था, जो कि मैंने कर दिया है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और गाड़ी भी हमारी हाफ सेल पे चालू हो रही है, कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया स्टार्ट हो रही है। तो फाइनली गाड़ी रेडी हो गई हमारी। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।